सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तोमर व्लॉग्स अगेन। और आज मैं आया हूँ पालिका बाज़ार, पालिका आया हूँ और मैं लगवा रहा हूँ अपने प्रोजेक्टर्स अपनी गाड़ी में। जैसे आप देख सकते हो पीछे मैंने इसका डिबैच कर दिया सुजुकी का। और अपने मैं इसके रिस्पॉन्स बताऊँ तो टायर स्टिकर्स के आप देख लो एक बार पूरा, बढ़िया वाला रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमारे साथ आज रिक्की भाई है और शान भाई है और अपनी गाड़ी में लग रहा है IPS आज। तो पूरा इसका सेटअप दिखाता हूँ मैं। अभी तो फिलहाल हमने बम्पर वम्पर निकाल के रखा हुआ है इसका और भाई की गाड़ी में भी IPS लगा हुआ है। और अगर आपको इस गाड़ी पे व्लॉग चाहिए, एक शूट चाहिए तो मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये गाड़ी के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। एक बार आप देख लो। फिलहाल आप इसका वॉक अराउंड ले लेते हैं हम गाड़ी का। तो भाई की गाड़ी एकदम मस्त डिसेंट, एक होता है ना मॉडिफिकेशन वो है। और भाई की डीजल गाड़ी है, इसमें भाई ने एग्जॉस्ट लगवा रखा HKS का। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा प्रोसीजर। ठीक है विक्की भाई। हाँ भाई, एक बार बताओ आपसे कांटेक्ट किया जाए तो कैसे किया जाए? भाई मेरे से कांटेक्ट करा जाए तो मोबाइल नंबर ही है मेरा। एक बार मोबाइल नंबर बताओ। 9873253414। और कहाँ आना पड़ेगा? पालिका भवन हयात होटल के सामने। हाँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भैया का आपका वो दे दूंगा नंबर। और एक बार देख लो पूरा सेटअप भैया कर रहे हैं इसमें। ये अपनी HID रहने वाली है, वो ब्लास्टर रहने वाला है और ये 55 वॉट्स का रहता है। और ये अपना IPH भैया अपने टूल वूल लेके पूरा सामग्री लेके तैयार हो रखे लगाने के लिए। और अपने पुराने वाले जो स्टॉक वो थे वो निकल गए। अगर आप इसको देखोगे ना तो बहुत हल्का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 ग्राम का होगा ये वाला। और अपने HID में दिखा देता हूँ, इसमें ऑलरेडी फिट हो रखी है ये अपनी HID। और कोई स्टॉक का इसके तो आपको पता ही, वो बलिनो देख लो उसका आपको कितना रिस्पॉन्स मिलता है फॉग लैंप का। और अपने दिखाऊंगा कि कितने इनहेंस हो जाएगी लाइट, देख लूंगा सब। नहीं आएंगे जब तक ये कटेगा नहीं भाई, क्या काटने की बात है? ये कटेंगे दोनों, ये कटेंगे, मेरे को पता है कटेंगे। मैं सेटिंग तो देख लूं भाई अपनी, सेटिंग तभी आएगी जब ये कटेंगे। मैं सेटिंग देख लो अपनी भाई, देख लो भाई मैं बिगर काट लगा दूंगा। क्यों भाई मेरी गाड़ी तो फिर लगा है, जब बिगर काट से आ रही है वो, ये दोनों कटते हैं ये भाई, वो नहीं काटूंगा ना मैं, मुझे पता है ना। बताओ तुम्हारे को छेद भी नहीं आई वो चीज भाई? दोनों लड़ रहे हैं भैया। आप हमारे भाई बोले कटके लगेंगे, ये भाई बोले नहीं कर रहे हैं हमारे को रहेगा भाई, सीन रहेगा। एक गाड़ी बंद कर लेता हूँ नहीं तो बैटरी लो हो जाएगी उसकी। और आपने पेडल लाइट्स का भी अपनी वो देख ली होगी वीडियो, तो बताना आपको कैसी लगी। तो भाई आप नॉर्मल सी जैसी फिटिंग होती है वो तो इसमें होगी, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली अब वो दिखाता हूँ कि इसमें कैसे रिस्पॉन्स आने वाला है, क्योंकि मेन रिस्पॉन्स की बात होती है। क्योंकि फिटमेंट तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं इसकी। और अगर आपको IPH खरीदने हो या कुछ और भी एक्सेसरीज गाड़ी से रिलेटेड खरीदने हो तो मैं लिंक अपने चैनल इंस्टाग्राम का आपको उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके DM करिए मुझे, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और अपने ये कुछ HID इसमें लग रही है भाई, इसको फिटिंग करवाते हैं फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो भाई जैसे कि IPH की फिटिंग हमेशा एज यूजली वो आती नहीं है उसमें, वो बोलते प्रॉपर है लेकिन इसमें थोड़ा कटिंग करना पड़ता है। भाई कितना कट करोगे इसको? कटिंग नहीं होगा तो रेगमाल मतलब वो रेती से करोगे ना? कितने MM घिसोगे? थोड़ी सी घिसाई होगी तो जितना दिख रहा है ना आपको ऊपर वाला। और ये अपना ब्लू कट लेंस है, पूरा बम्पर निकल गया अपना बार। और ये ऐसा है भाई, भी भाई शो ऑफ कर रहे हैं गाड़ी का। क्या दिखा रहे हो भाई? क्या देखना? कुछ नहीं तो भाई लेने गए अभी रहती, और इसको करने के बाद इसको लगाएंगे अभी वो वाला। इसमें टाई बेल्ट हमने कर दिया इसको, अभी देखो इधर इसकी प्लेसमेंट किया। और ये हमेशा याद रखना कि आप जब भी ब्लास्टर लगवा रहे हो ना इसको टाई बेल्ट से हमेशा टाई करवा लेना, जैसे कि ये गाड़ी चलते हुए ना आगे पीछे हिले नहीं, वरना तो आपको आवाज़ आएगी खड़खड़ खड़खड़ की, ठीक है। और अगर आपको RS का बम्पर चाहिए तो आप DM कर सकते हो मुझे, या बैक बम्पर या साइड स्कर्ट्स कुछ भी लेना हो तो। एंड भाई लिया लेके आगे रहती तो भाई घिसेंगे इसको थोड़ा, और थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे।
के बाद चलते हो, HID लगा रहे हैं। देखो प्लस ये निकलेगी तो नहीं, निकलेगी तो नहीं इसकी थिम्बल। वो टेप से कर देंगे जैसे इसके लॉक क्या होते, चलते हुए गाड़ी में ना निकल जाते हैं बहुत बारी। तो मैंने डिजायर में भी लगाया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी मेरी डिजायर में जिसमें IPS लगे हुए हैं तो वो भी देख लीजिए, और उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सब अच्छे से बांध दिया भैया ने, टेपिंग वेपिंग कर दिया। ये भी अपना फिट हो गया, इसमें भी टाइपर लगा देंगे जैसे कि तार ज़्यादा बड़ी बड़ी ना दिखे। उसकी थोड़ी इसी की साई हो गई है, थोड़ा फिनिशिंग कर रहे हैं भैया। भाई IPH की लाइफ कितनी होती है? IPH की लाइफ कितनी होती है IPH प्रोजेक्टर की? भाई लाइफ इतना का ढंग से चलाओगे ना उसी आराम से भाई 3-4 साल 5 साल आराम से चलती है। अच्छा लगा का भैया जी देख लो अभी तक खराब नहीं है जो चली है। वो तो उसकी गाड़ी में हेला लगी हुई है, कुछ भी लगी हुई है हमने लोकल भी बहुत, ये मतलब जो अपनी लगाई है ना ये जो इंडियन जो भी है ये भी बहुत चली है, हमने बहुत गाड़ियों में लगाई है। अच्छा तो अगर आपको भैया के पास आके लगवाए तो भैया प्राइसिंग बता दो आप कितने में लगवा दोगे? ये प्राइसिंग तो भैया अभी मैं क्योंकि हर दिन चेंज होते हैं इसकी प्राइस, अगर हेला की लगाओगे तो मेरे ख्याल से 3-3.5 हज़ार की होती है, ये थोड़ी कम की होती है। मैं कहा ये कि इसकी हेला से अच्छा है इसका इस ये भी अच्छी है क्योंकि हेला से ज़्यादा लाइट इसकी पड़ती है, क्योंकि हेला का जो प्रोजेक्टर होता है 2.5 mm का होता है, इसका 3.5 mm का होता है क्योंकि हम हेला से ज़्यादा ये लगाते। तो भाई जितना आपका बड़ा प्रोजेक्टर रहेगा उस हिसाब से आपकी लाइट थ्रो होगी। HID लगाओगे तो पावरफुली फेंकेगी। हाँ जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उतने बड़ा LED से काम नहीं चलेगा, HID से ही काम। हाँ इसमें कभी भी LED का थ्रो अच्छा नहीं आता, HID का ही आता है, फोकस आएगा नहीं LED। तो ये हो गया, मैं अब आपको दिखाता हूँ पूरा जब बम्पर वम्पर पूरा इसमें पैक हो जाएगा जब दिखाता हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ओके तो गाइज अभी एक ना प्रॉब्लम हुई कि जो मैं ये बल्ब लाया था ना ये हो गया, पता नहीं कुछ खराब वराब ऐसा ही कुछ है, तो अभी मैंने इसमें दूसरा HID ले खरीद के लाया हूँ और इसमें ये लगवाए हैं। एक बार इसका ब्लू कट आप देखना भाई, वायरिंग कर रहे हो इसकी, डिपर पे नहीं चाहिए मुझे, ऑलवेज हाई पे चाहिए, ठीक है। तो अभी भैया दिखाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि ना गाइस मैं इसको जनरली फॉग लैम्प नहीं चलाता, वो फॉग लैम्प चलाता हूँ हेडलाइट नहीं चलाता क्योंकि इसमें डेविल आई अपनी इंस्टॉल है, और बहुत लोग बोलेंगे कि भाई तू प्रॉब्लम करेगा आगे वाली गाड़ियों को ये वो, लेकिन भाई उतनी नहीं है जितना मेरा बोनट आ रहा है ना इस लेवल पे, इतने लेवल पे मैं इसकी वो सेट करवा दूंगा। ये भाई अपने बहुत टैलेंटेड है, सब कर देते हैं भाई बढ़िया तरीके से मामला। तो अभी ये अभी क्या हुआ, जो ये वाला मैं बल्ब लाया ये है इसकी ज़्यादा जो ब्राइट हो रहा है ना इसकी ज़्यादा लाइट फेंक रहा है, इसकी कम है, तो इसकी भी अब लेने गए हैं तो दोनों दिखाता हूँ। एक बार देखो एक कट कितना प्यारा आ रहा है इसमें, एक बार ये देख लो ये वाली HID और वो वाली, भाई मतलब क्या ही बोलूँ, अब देखो डिफरेंस कितना है आपको ये पता चल रहा होगा। और एक बार बताना ये वाले जो कट हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, और अपना ये भी देख लो आगे से लुक कैसी आ रही है। तो एक बार आप देखोगे यहाँ पे, एक बार नीचे हो जाता हूँ, तो ये अपनी भाई इतना आ रहा है, कौन से आई है? ये लो है। हाँ अच्छा, तो भाई अपनी हाई कुछ इतना ऐसे आ रही है। शटर की आवाज़ सुन रहे हो आप, कट कट करना भैया एक बार। ये आप मशीन देख पा रहे होंगे इसके अंदर, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया और अभी देखो कितना मस्त तरीके से आएगा। तो इसको मैं हाई पे कर लूँगा फिर मैं दोनों जब लगते हैं और उसका भी दिखा देता हूँ पूरा ब्राइट कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो गाइस अपनी ये प्रोजेक्टर ना पूरे लग गए हैं और ये अपना कुछ हाई बीम रहने वाला है, और एक बार आप इसके अलाइनमेंट देख लो ऐसे ही पता चल जाएगा जो सी कट आ रहा है आपका, और ये जो अपने ये ब्लू कट में रहने वाले हैं अब ये थोड़े ब्राइटअप होने दो इसको, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आगे से कैसी लग रही है ये लोग।
और कमेंट सेक्शन में बताना यार ये प्रोजेक्टर कैसे लग रहे हैं और मेरे टायर स्टिकर्स कैसे लग रहे हैं टायर के और भाई के, ठीक है, दोनों बताना। और अभी मैं आपको कुछ रोलिंग शॉट्स दिखा देता हूँ गाड़ी के, मैं थोड़ी इसको साफ कर रहा था बेसिकली, अभी तो गंदी हो गई खड़ी खड़ी, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये थी पूरी अपनी वीडियो, तो आपने देख लिया होगा कि अपने IPH का कैसे रिस्पांस आ रहा है। और बेसिकली ये IPH नहीं है, ये दूसरे कस्टम प्रोजेक्टर्स हैं जो बनवाए हैं, ठीक है। तो इसमें जो HID अपनी है वो भी किसी दूसरे ब्रांड की मैंने लगवा रखी है। क्रिस्टल आया आपने सुना होगा, झिमर होगा, ये नहीं है, इसमें दूसरी कस्टम लाइट्स हैं। तो एक बार आप इसका रिस्पांस चेक कर सकते हो कि कैसा आ रहा है। और ये आई थिंक अभी तक की सबसे ब्राइटेस्ट फॉग लैंप है कि मैंने, क्योंकि किसी की गाड़ी में नहीं देखी, और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी उसमें भी नहीं देखा। तो एक बार आप ये देख सकते हो, ये कट जो आ रहे हैं दोनों साइड में अपने, एक बार उधर देखो अपने लेफ्ट एंड राइट में, तो ये बोथ साइड आ रहे हैं। एक बार बाइक की देख लो, उसमें कोई खर्च नहीं है। एक बार बाइक की भी वो देख लो कि प्रोजेक्टर IPS लगा रखी है विद क्रिस्टलाइज, तो भाई बाइक की कहाँ जा रही है। कोई भाई बोलेंगे कि इसमें अलाइनमेंट नहीं हो रखी है, नहीं हो रखी, लेकिन सब भाई सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार आप देख लो इसको, दोबारा वॉक अराउंड करवा देता हूँ मैं, तो देखो डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको पता चलेगा दोनों में। तो बहुत रात हो गई है, पूरी पूरी मार्केट बंद हो गई है, अब छोटे छोटे ये भी आ गए हैं अब। तो ये थी अपनी वीडियो गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना कि ये अपने जो प्रोजेक्टर है कैसे लग रहे हैं और अपने जो कट्स हैं ये कैसे लग रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कीजिए अपने दोस्तों पर जिनके पास भी गाड़ी है, रिलेटिव में या फ्रेंड सर्कल में।